अगर आप आलू के सैंडविच खा खा के बोर हो चुके हो तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल चीज सैंडविच। अब आप सोचोगे इसमें भी क्या नया है, ये भी हमने खाया हुआ है, जरूर खाया होगा मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें मैं कुछ ऐसा ट्विस्ट करूंगा जो आपको दो चीज़ों का मजा देगा। वो क्या ट्विस्ट है, आइए चलते हैं। और हाँ भैया, नया चैनल है, तीसरी वीडियो है, सब्सक्राइब कर दो। अब ये जो वेजिटेबल चीज सैंडविच की रेसिपी है ना, ये लगती तो बहुत सिंपल है लेकिन टेस्ट लाजवाब, बच्चे से लेके दादाजी तक सभी को पसंद आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक बोल है, अब एक बोल में लिया मैंने मेयोनीज। मेयोनीज आपको पता ही है, बहुत ही सिंपल, हर जगह मिल जाती है, रिच और क्रीमी सॉस होती है। उसमें हम डालेंगे केचप और इन दोनों के मिक्सचर से हम बनाएंगे थाउजेंड आइलैंड सॉस। जी हाँ, थाउजेंड आइलैंड सॉस। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, होता कुछ नहीं है, मेयोनीज और केचप को जब मिलाते हैं तो थाउजेंड आइलैंड सॉस बन जाती है। बस अब इसमें हम डालेंगे प्याज जो कि बिल्कुल चॉप्ड है, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे अपना शिमला मिर्च, वो भी बिल्कुल चॉप्ड है, आप देखें कितना बारीक काटा हुआ है। और फिर हम डालेंगे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स, ये ज़रूर डालना। अच्छा हाँ, और गरम एकदम मत डाल देना, थोड़ा सा ठंडा करके फिर डालना। और फिर लास्ट में हम डालेंगे टमाटर। और बस अब इनको कर लेंगे बढ़िया तरीके से मिक्स। और ये देखिए कलर देखो आप, लग रहा है ना बिल्कुल लाजवाब। और बस अब हम डाल देंगे अपना प्रोसेस चीज़। अब मेरे पास प्रोसेस चीज़ था, मैंने दो क्यूब्स डाली हैं। अगर आपको बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला टेक्सचर चाहिए तो आप डालें मोज़रेला चीज़, तो आ जाएगा मज़ा। और बस अब हम डालेंगे अपनी सारी ये मसाले सीजनिंग। काली मिर्च डाली है मैंने लगभग आधा टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स, इटालियन सीजनिंग मेरे पास पड़ी थी, अगर आपके पास वो नहीं है तो ऑरिगेनो डाल लेना। और हल्का सा नमक, अच्छा नमक ज़्यादा मत डालना क्योंकि मेयोनीज में भी नमक होता है और चीज़ में भी नमक होता है और टमाटो केचप में भी होता है, तो नमक थोड़ा सा ध्यान से। और बस अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। लुक एट दिस, लग रहा है ना बढ़िया। अब हमें करना क्या है, इसको मिक्स करने के बाद इसको 15-20 मिनट के लिए आप फ्रिज में रखना। उससे होगा क्या, जितने भी हमारे फ्लेवर्स हैं ना, इटालियन सीजनिंग, चीज़, ये सब अच्छे से सब्जियां एब्जॉर्ब कर लेंगी और फिर आएगा इसको बनाने में अलग से मज़ा। अच्छा मैं देखने आया था, बोर तो नहीं हो रहा ना वीडियो में, वो जो ट्विस्ट है ना वो अभी आने वाला है, मैं जाऊँगा ट्विस्ट आएगा। अब जितनी देर हमारी सब्जियां फ्रिज में रेस्ट कर रही है, हम बनाते हैं इसका बटर। और जी हाँ, नॉर्मल बटर नहीं होगा, हम यूज़ करेंगे गार्लिक बटर। इसका जो टेस्ट आएगा ओए लाजवाब। अब करना ये है कि हमें एक बड़ा चम्मच लहसुन को बिल्कुल फाइन चॉप करना है, बिल्कुल बारीक, और उसमें हमें डालना है दो चम्मच बटर। अच्छा मैंने बटर डायरेक्टली डाल दिया था, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप बटर को पिघला के फिर डालें और इसको कर लें अच्छे से मिक्स। अब ये जो गार्लिक बटर वाला ट्विस्ट है ना, ये हमारे सैंडविचेस को अलग ही लेवल पर ले जाएगा। तो आइए फटाफट से फाइनल स्टेप पे चलते हैं। करना कुछ नहीं है, ब्रेड लेनी है, ब्रेड पे डालनी है वो अपनी फिलिंग। और हाँ, फिलिंग में कंजूसी मत करना, अच्छे से डालना भर के। और एक बात बताओ, अभी मैंने बीच में अपनी स्टफिंग टेस्ट करी थी, ओए होए मज़ा ही आ गया। अब स्टफिंग को डालने के बाद हम कर लेंगे सैंडविच को बंद। और अब जो हमने वो गार्लिक बटर लिया था उसको हम डालेंगे। और हाँ, अभी हम सिर्फ एक साइड पे लगाएंगे बटर, दूसरी साइड पे हम लगाएंगे बाद में, नहीं तो वो हमारी प्लेट भी ख़राब हो जाएगी और बटर वेस्ट होगा। तो एक साइड पे अच्छे से लगाएं, बिल्कुल मज़ेदार जैसे मैं लगा रहा हूँ। और फिर हम इसको सेकेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब हम सेकेंगे ना, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकना है। अब इसको अगर हम हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो होगा क्या, ये जो हमारा गार्लिक है ना, ये जल जाएगा, अंदर से जो चीज़ है वो मेल्ट होगा नहीं और फिर मज़ा ही नहीं आएगा। तो लो फ्लेम पे सेकें। और हाँ, जो दूसरी साइड है बटर, मैं अब लगाऊंगा जो उस टाइम ही लगाया था। अब देखो, लो फ्लेम पे सेकने से होगा क्या, जो हमारी ब्रेड है वो अच्छे से करारी हो जाएगी, क्रिस्प हो जाएगी और जो चीज़ है वो बढ़िया से मेल्ट हो जाएगा अंदर। लुक एट दिस, ये सैंडविच कितनी अच्छी तरह से बन चुका है, सेक चुका है। अंदर होगा वो चीज़ का बर्स्ट और बाहर होगा वो गार्लिक ब्रेड वाला करारापन। तो ये 2-in-1 सैंडविच एंजॉय करें, बाहर वो गार्लिक ब्रेड का मज़ा और अंदर वो वेजीज, मेयो और चीज़ का मज़ा। इसको इसी तरीके से बनाएं और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप बाहर के सैंडविचेस भूल जाएंगे। पार्टी में बनाएं, ब्रेकफास्ट में बनाएं, लेकिन बनाएं ज़रूर। तो भैया, अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।